अब निकलना नहीं, घुसो अंदर, बैठा दो पीछे, फिर यही घुसो। क्योंकि ना देखो अभी अभी क्या शेड्यूल हो चुका है क्लासेस ना, तो ऑनलाइन वाले बैठे रहते हैं। फिर डन, हेलो, ओके डन ना, चेक चेक बाद में। ओके डन, सारे लोग अपने कॉपी किताब खोल लेंगे ना, किताब की तो जरूरत नहीं, कॉपी ओपन कर लेंगे, जितना चीज बता रहा हूं सबको नोट भी कर लेंगे, कॉपी में कंटिन्यूअसली नोट करते चलना है। मंडे से आप लोगों का टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होने वाला, इसलिए हो रहा है क्योंकि नई फैकल्टी आ रही है केमिस्ट्री की, और उनके भी यहाँ पे टाइम चेंज होगा। दो टीचर आने वाले हैं, एक दुर्ग से आने वाले हैं और एक यहीं की है, तो दोनों में से आप चूज कर लेना किनके साथ आप कंफर्टेबल है। ठीक है, एक कंप्लीटली प्योर IIT नीट वालों को पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी आने वाले हैं जिन्होंने मेडिकल में, जो पिछले साल जो छत्तीसगढ़ की टॉपर रही है ना, फारूका हमारी टॉपर है, पता छत्तीसगढ़ में ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, तो दो टीचर आने वाले, चूज कर लेना। और टाइम चेंज होगा, टाइम टेबल जब भी आप घर से निकलते हो ना, सबको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, बार बार बता रहा हूं, जब भी घर से निकलोगे ना तो अपना टाइम टेबल दे, मतलब एक बार मोबाइल में वो देख लेना, नोटिफिकेशन देख के निकलना। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लास थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता रहता है। ठीक है, अब जो नए लोग आ रहे हैं तो उनके बेसिस पे क्लास एकदम फिक्स्ड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ शुभम वर्मा कौन है? शुभम वर्मा, अच्छा ये ऑनलाइन वाला। ठीक है, ये ऐसा कैसे चलेगा बताओ ना आप लोग, ऐसे ऐसे लेट आओगे तो फिर कैसा चलेगा, क्या होता बता, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, बैठो इधर, बैठो बैठो बैठो, अभी लोग ना एग्जैक्टली सीरियस नहीं ले रहे हैं यार क्लास में, तो नहीं इससे क्या, आ जाओ फ्रंट पे, आ जाओ ना यहाँ पे बैठो। चलो गॉट इट, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को ना, पहले इनको एक बार वार्निंग दे देता हूँ फिर आगे बता। हेलो शुभम, शुभम, चलो एक बात ध्यान से समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक और आ रहा है, आ जाओ बैठो, अब बैग वगैरह सब पीछे रखेंगे, एक कॉपी और पेन लेके सामने बैठेंगे, आप इधर आ जाओ ना, गर्ल्स गो इनसाइड, फ्रंट पे बैठ जाओ, बैग वगैरह पीछे रखा करो। ठीक है, ठीक है, हो गए। अब ना मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं, तो प्लीज इस बात को सीरियसली लेना सब लोग, क्योंकि हो सकता मंडे से हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपका क्लास जब भी रहेगा, शेड्यूल रहेगा, उससे 5 मिनट पहले ही आपको क्लास में पहुंचना। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हम 11th में कितने लोग पढ़ रहे हैं? इतने लोग नहीं है। ठीक है, हजारों में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन। ठीक है, ये क्लासेस सेटअप सिर्फ ऑनलाइन के लिए डेडिकेटेड था, उनको ऑफलाइन फील चाहिए करके हम लोग बहुत मिनिमल फीस में आप लोगों को एंट्री दे दी है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए कि इनके लिए? बोथ, दोनों के लिए। लेकिन आप अगर लेट आते रहेंगे ना तो क्लास क्या होगा, डिस्टर्ब हो, और ये क्लास क्या होता, रिकॉर्ड भी होता। ठीक है, तो 5 मिनट पहले पहुंचना, लेट होगा तो घर पे लाइव देख लें। ठीक, क्योंकि 5 मिनट अगर बाद पहुंचोगे किसी भी क्लास में, एंट्री नहीं देंगे अब। डन, चलो, तो जो नए लोग हैं, जैसे आप 5 फर्स्ट टाइम है ना, आपका भी फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग लाइव देख लेना घर पे, अभी तो इन लोगों ने बहुत आगे निकल रखा। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लेंगे, क्लास में नोट करेंगे, PDF तो मिलेगा लेकिन साथ में क्लास में नोट करते चले जाएं। ठीक है, चलो अब अपन 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट्स, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट्स। क्या ये वर्ड आज से पहले कभी सुना हुआ अपने दिमाग में? एकदम जीरो होकर बैठो, एकदम फ्री होकर बैठो और सोचो क्या। अबे फ्री होकर बैठने का मतलब नहीं कि लेट जाना, तो इंसान ऐसा बैठो ऐसे, हाँ गुड, सो फ्री बोला तो एकदम लेट गया। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली क्या है कि यूनिट जो वर्ड है आज से पहले कभी सुना है आपने? कब सुना था? मैथ्स में सुना। ये यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब क्या है? चलो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, और फील करना, डेफिनेशन सबको बोलना पड़ेगा। तो यूनिट को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरेबल क्वांटिटी क्या होता है? मेजरेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि इसकी हाइट कितनी है, मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई बोलेंगे बहुत हवा चल रहा, मेजर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, नहीं कर सकता क्या?
बहुत हवा चल रही, कितना किलो हवा चल रहा, 2 किलो हवा चल रहा बोलता, वो बोलता हाँ सही होता, ठीक है। आज बहुत वो क्या बोल सकते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या बारिश की जो ड्रॉप मतलब जो रेन ड्रॉप आ रही है क्या उसको मेजर नहीं कर सकता, उसको भी करता है, वो मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया था कि कौन सा मेजरेबल है और कौन सा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। आज मुझे बहुत भूख लगी, मेजरेबल है कि नॉन मेजरेबल, इसको मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ रहा ना। किसी दोस्त से बहुत दिन बाद मिले, यार तू तो बहुत मोटा दिख रहा, क्या उसको मेजर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं ना, उसका वेट बढ़ गया, ठीक, नहीं कर सकता, बोलता नहीं कर सकता मैं, बोला करो एकदम जो फैक्ट लगता वो। तो जो मेजरेबल क्वांटिटीज में क्या आता, मास, मास समझते हैं क्या होता है, मास क्या होता है, मांस नहीं मास, लो मास सोचने वाले, मैं नॉनवेज बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मास, मास और वेट में डिफरेंट होता है। जैसे हम कोई चीज आलू लेने जाते हैं तो कितना, 2 kg आलू, तो जो 2 kg उसका क्या डिफाइन करता है, मास डिफाइन करता है। लेंथ पता है ना, लेंथ पता है ना, टाइम, एरिया, फोर्स, प्रेशर, ये सारे मेजरेबल क्वांटिटीज है, ठीक है। जिस क्वांटिटी को हम मेजर्ड कर सकते हैं उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, गॉट इट। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अभी लिखना नहीं है, मैं पहले बोर्ड भरूंगा फिर आपको बोलूंगा लिखने, तब आप लिखना, तब मजा आएगा, ठीक। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया, मेजरेबल क्वांटिटी वो होता है जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, और फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, सिंपल है नहीं है, ठीक है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू मेजर कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्यों नहीं मेजर कर सकता, मतलब मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं है तेरे सामने, ठीक है नहीं है, अब देख ले ऐसे ही करता है, ठीक है। तो ये होगा, ध्यान रखना, जो मेजरेबल होगा वो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, और जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके पास 2 चीजें होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट। जैसे मैं बोलूंगा कि आलू लेने जा रहा हूं, आप दुकानदार के पास जाकर क्या बोलते हो, आलू दो, ऐसे ही बोलते हो, सच में ऐसे ही बोलते हो, 2 किलो बोलते हो ना, इसमें 2 जो है वो मैग्नीट्यूड है, जो किलो है वो यूनिट है, बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आ, ऐसे ही करते हो ना। जैसे कपड़े लेने जाते हो, 2 किलो कपड़े दो, कैसे बोलते हैं, 2 अबे चल 2 मीटर कपड़े दो, मीटर बोलते हो कि नहीं बोलते, तो जो 2 है ना वो क्या है, और जो मीटर क्या है, यार इसमें लफड़ा हो रहा है, मैं आलू खरीदने जा रहा हूं तो केजी यूज कर रहा हूं, कपड़े खरीदने जा रहा हूं तो क्या यूज कर रहा हूं, और पेट्रोल भरने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा 2 सेकंड, देखो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्लासेस में, बार बार बताऊंगा, ठीक है। आज कर लो, मैं डोरी नीचे से बंद करवा दूं, ठीक है। 1835 बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी आप, कितना, तो ये क्लास उन लोगों के लिए कि आपके लिए, ध्यान पे रखना, एक कोई नहीं भी आता है ना क्लास में तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ाते ही रहता हूँ, है ना, इससे पहले वही होता रहा पूरा कोविड के 2020-21 पूरा वैसे ही चला, तो इस बार थोड़ा सा प्लान चेंज किया कि थोड़ा ऑफलाइन बैठा दिया जाए करके, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि यार जो मेजरेबल होगा वो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा, और फिजिकल क्वांटिटी है मतलब उसके पास क्या होना चाहिए। जैसे तुम्हारा नाम शुभम और ये क्या है, वर्मा, शुभम क्या है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, वर्मा क्या है, ठीक है, और पापा का नाम कुछ भी होगा पीछे वर्मा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यूनिट क्या है, एक सरनेम जैसा, यूनिट क्या है, एक सरनेम जैसा। तो इतनी सी बात सबको क्लियर है, तो इसको उतारना चाहो तो उतार लो, बाकी कोई जल्दी जबरदस्ती नहीं, समझ में आ गया है ना। पीडीएफ मिलेगा लेकिन क्लास में नोट करना भी कंपलसरी है, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा लेकिन क्लास में नोट करना भी कंपलसरी है, और जल्दी जल्दी नोट कर, ठीक है। तो मेजरेबल समझ में आ गया, जो मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होगा, क्लियर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, डिस्टेंस 25 किलोमीटर लिखते हैं कि नहीं लिखते, अब इसका मतलब समझो, 25 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, 25 क्या है, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है भैया, ये जो 1 kg होता है, 1 किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर का 25 टाइम है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जो टाइम्स जो यूज होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्निफिकेशन, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है। अगर मैं 25 किलोमीटर लिखूंगा मतलब क्या होगा, अभी 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 सपोज कर लो ना, मैं बोलूंगा कि यहां से आप निकलोगे ना, जो नेक्स्ट जो चौक आता है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि 10 किलोमीटर अज्यूम करो कितना होगा, तो आप अपने दिमाग में क्या करेंगे, यार इसी का 10 टाइम करूंगा तो मैं वहां तक पहुंच जाऊँ, किए कि नहीं किए, तो आप किसको लेके चेक, रेफरेंस में किसको लिए,
वन किलोमीटर, तो वन किलोमीटर का कितना टाइम है ये, 25 टाइम है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, वन किलोमीटर का डिस्टेंस कितना ये है ना, तो वैसे करते 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 मैं कितने टाइम करूंगा 25, तब जाके क्या होगा 25 किलोमीटर। क्लियर है आंसर, क्लियर है आंसर। तो ये क्या डिफाइन करता है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या करता है, यूनिट। तो आज का मेन क्लास हम किसके लिए कर रहे हैं, यूनिट्स के लिए, कि यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, इसके लॉस को समझेंगे, ये किस तरीके से बिहेवियर शो करता उसको समझेंगे। ठीक है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी। जो यूनिट होता है ना, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, क्या रेफरेंस है, कैसा है, सारा डेफिनेशन अभी याद हो जाएगा, बस देखते चले जाओ। मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आया, मैग्निफिकेशन वर्ड आज से पहले कितने लोग सुने, मैं सारे वर्ड्स ना अभी से आपको ध्यान में रखाता चला जा रहा हूं, ये वर्ड्स फिजिक्स में जब भी पढ़ोगे आपके काम की बात होगी। ठीक है, जो मैग्निफिकेशन जो वर्ड आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक को समझो, कि मेरे पास एक पिन है, एक पिन है जिसका हाइट है ना 1 सेंटीमीटर, चलो 10 सेंटीमीटर है, कितना है? अब मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेता हूं, सुने हो कि नहीं सुनो, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, कॉन्वेक्स। जब मैं इसको देखा ना इसमें, तो ये कितना सेंटीमीटर का दिखा पता, ये 30 सेंटीमीटर का दिखा, तो ये कितने टाइम उसको मैग्नीफाइन किया, 3 टाइम किया है ना। तो जो मैग्नीफाइन का मतलब क्या होता है, जो जो भी अपना जो लोअर वैल्यू होगा उसी का थोड़ा सा हायर वैल्यू, तो ये वही चीज बता रहा, मैग्नीट्यूड इज मी मेजर्ड ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ यूनिट। एक यूनिट का क्या कर रहा है, वो मैग्नीफाइन कर दे रहा, उसका टाइम्स कर दे रहा। और अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन ना। अच्छा, अभी इतनी सी सारी चीजें समझ गए, अगर आपको पूछूंगा कि यार यूनिट में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यूनिट, यूनिट को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिट को डेफिनेशन बनाओ, तो आप कैसे डेफिनेशन बनाओ, बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट, सबसे पहले यूनिट के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले यूनिट के लिए हमको क्या चाहिए, एक मैग्निफिकेशन वैल्यू चाहिए, मतलब किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर, मतलब इसको एग्जैक्टली यूनिट क्यों यूज हुआ, एक चीज को हम क्या करने के लिए, आपको यहां से समझ में आएगा। देखो ये जो यूनिट है वो इनडायरेक्टली कहां किसके लिए यूज हो रहा है, मेजर करने के लिए किसी चीज को, बात समझ में आ रहा। तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया कि जो भी मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, मतलब मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इन 3 फैक्टर्स, किसी भी चीज को आप मेजर करोगे ना, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पे काम करता है, कंपैरिजन विद द सर्टेन बेसिक्स। एक इसका मतलब समझते हो, जैसे मैं लिखूंगा 25 किलोमीटर, मतलब ये कंपेयर किससे कर रहा है, ये 1 किलोमीटर से कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। अगर मैं क्या लिखूंगा 20 लीटर, तो ये किससे कंपेयर कर रहा है, ये 1 लीटर से कंपेयर कर रहा, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपेरिजन विद अ सर्टेन बेसिक्स, तो ये बेसिक्स में क्या है, 1 किलोमीटर है, 1 लीटर है, समझ में आ रहा है इतनी सी बात। सेकेंड क्या होना चाहिए, ऑर्बिटली चूजन, मतलब ऑर्बिटली चूजन का मतलब क्या होता है, कि हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं यार मुझे 50 kg क्या चाहिए, आलू चाहिए, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं 1/2 kg आलू भी चाहिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मतलब मेरा वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए, मैं कुछ भी मांग सकता हूं यार, मैं मनचाहा जो मेरे दिमाग में है वो मैं मांग सकता हूं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटली चूजन, मैं चूज करूंगा कि मैं क्या रिक्वायर कर रहा हूं, बात समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट सबको क्लियर है। अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, अब इसके बारे में थोड़ा सोचो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि मैं भिलाई में कहीं पर बोल दिया कि यार मुझे 2 किलो आलू चाहिए, ठीक है, अब भिलाई से बाहर कहीं चला गया और मैं बोला 2 किलो आलू, वो आलू तो समझ गया लेकिन 2 किलो का मतलब नहीं समझा, तो मतलब वो इस चीज से इंट्रोड्यूस नहीं है। हमको एक ऐसा फंडामेंटल वैल्यू यूज करना पड़ेगा जो इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड। अगर 1 मीटर यहां पे इतना है तो कहीं पे भी जाऊं 1 मीटर का लेंथ कितना होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, बात समझ में आ गया। तो ये 3 क्वालिटीज जिसके अंदर होगा उसी रिफरेंस स्टैंडर्ड को ही अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व इन 3 फैक्टर, कंपेरिजन विद सर्टेन बेसिस, ऑर्बिटली चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, रिफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। डेफिनेशन कितने लोगों को क्लियर है, अब बीच बोलना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट के लिए कितनी चीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट क्या चाहिए, किससे करूंगा, एक सर्टेन बेसिस, इसका मतलब समझ में नहीं आया, किससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। अगर मान लो मैं 1 किलो आलू खरीदने जा रहा हूं, तो वो कंपेयर लीटर से करेगा कि केजी से करेगा, समझ में। अगर मैं 1 किलो आलू लेने जा रहा हूं तो वो मीटर से कंपेयर करेगा, केजी से कंपेयर करेगा, तो उसका मतलब क्या होगा, उसके सर्टेन एक बेसिक है, बात समझ में। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या, ऑर्बिटरी चूजन, यार मेरे पास पैसे कम है तो मैं कम वैल्यू कम वो लूंगा,
मुझे ऐसा तो नहीं है ना दुकानदार बोला कि मैं 4 किलो आलू दूंगा मतलब 4 किलो ही आलू दूंगा, ऐसा है क्या? मतलब आलू अगर आप खाओगे तो कहीं से भी खरीदो 4 किलो ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आप खरीद नहीं सकते, ऐसा कुछ रूल्स है क्या? मतलब रूल्स तो ये होगा ना कि भैया उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आर्बिट्रली क्या होना चाहिए चूजे पे। मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं ज्यादा आलू कर दूंगा, किसी के पास पैसा कम है तो वो कम आलू कर देगा, तो ये क्या हो, ये वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर्बिट्रली का मतलब होता मनमाना, मतलब मेरे मन में जितना है मैं खरीदूंगा, बात क्लियर हो गया? और तीसरी बात क्या है कि इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, इतनी सी बात क्लियर है? जिनके अंदर ये तीन क्वालिटीज है उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन को फ्लुएंटली अभी बोल सकते हैं, सारे इंग्लिश मीडियम के बोलो, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व इन द थ्री फैक्टर्स, कंपेरिजन विद अ सर्टेन बेसिस, ऑर्बिटली चूजन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। चल बॉस खड़े हो जाओ, तुम बैठो, तुम तो पहला दे रहे हो, एंजॉय कर, नेक्स्ट क्लास से वाट लगेगी तुम्हारी ना। चल भाई, हाँ बता। अब वो तुमको लग रहा हो वो देख तो रहा बता सकता है ना, लेकिन वो ईमानदार है, वो बोर्ड को नहीं देखेगा, नहीं है ना? तो मैं ईमानदार हूँ, चल हटा दिया। ऐसा बोलेगा तू, ऐसा बोलेगा एकदम फ्लुएंटली, पूरी डेफिनेशन बता। मेजरमेंट तो वो लिखा, तो ऐसे लिखेगा एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेगा बता, बुक में तो लिखा है ना, देख लो ऐसे ही बोलेगा। मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व इन थ्री फैक्टर्स, इसका यहां से स्टार्ट करें, ठीक है? चलो बोल, तो क्या पूरा चीज लिखना पड़ेगा? और जो मैं बता रहा हूं ना, लिखो लिखो मत अभी, और जो मैं बता रहा हूं ना ये तेरे को किसी बुक में नहीं मिले, ठीक है? अब नहीं दिखाएगा, तेरा ईगो हर्ट कर दिया तुमको। चल भाई बोल। हाँ मैं बोल नहीं सकता क्या? तू इससे कम है, तू किसी से कम है, सबसे बेस्ट है ना तू, हाँ बोल। थ्री फैक्टर्स, फर्स्ट, सेकंड कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिस, दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स। अभी भी नहीं समझ में आया, फील आया कि नहीं आया? आ गया ना, अब कौन बोलना चाहता है? अब तुमको समझ में नहीं आया, पीछे आ गया ना, खड़े होके बोलो, बैठ जाओ दोस्त। अब एक नारी सब पे भारी हो गई, बोलो जोर से बोलना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड दिस रेफरेंस, दिस वर्ड इज, यहां जोड़ सकते हो ना, दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है? और कोई बोलना चाहता है अपनी स्वेच्छा से खड़ी हो जाओ, और याद रखो जो क्लास में बोलता है जैसा बोलोगे वैसे ही लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक है? किसी में इतनी गट्स और बोलने के लिए, कोई गर्ल्स नहीं बोल पाओगे, सब एकदम मुंह छुपा रहे हैं एकदम। भाई तेरे को समझ में आ गया दोस्त, बोल सकता है? देखो बोलेगा क्या रे घनसानी, नहीं बोलेगा? चल बोल बोल बोल, जल्दी बोल। हाँ अच्छा, खुद से लिख भी ले, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ टेस्ट में लिखना, अभी यहीं पे बोलना है, अभी तो मैं लिखवा, चलो ठीक है बैठो, अभी लिख लो फटाक से लिख लो। अच्छा रुको, अभी लिखो मत, समझ में आ गया ना? अब आज के बाद यूनिट बोलेगा ना तो आपका मतलब समझ में आता है कि भैया जो लास्ट में लगता है। अब सोचो हमने उसको कैसे डिफाइन किया, 25 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है, यूनिट है। तो उस यूनिट को, एक यूनिट होने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए भैया? तीन क्वालिटी चाहिए, पहला कि तू इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड हो, दूसरा क्या होना चाहिए, ऑर्बिटली चूजन, मैं कैसे भी चूज कर सकता हूँ, मुझे आधा तोला सोना भी चाहिए, एक किलो सोना भी चाहिए, कैसे भी ले सकता हूं। ऐसा तो नहीं ना कि दुकानदार बोलता मैं तेरे को एक किलो सोना ही दूंगा, आधा किलो नहीं दूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऑर्बिटली चूज है। दूसरा क्या, कंपैरिजन विद असर्टेन, समझ में आ गया? तो ये तीन चीज होती, ठीक? तो अब रुको, अभी लिखो मत। और जो यूनिट सिस्टम होता है ना, द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वीडियोस पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके अपने ऐप को ओपन करना, पूरा लाइन से बना हुआ है। तो हम जो यूनिट यूज करते थे ना, जो क्वांटिटी यूज कर रहे थे, क्वांटिटी दो तरीके का था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी था और एक डिराइव्ड क्वांटिटी था, ठीक? तो याद रखना, द यूनिट फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट, और जो डिराइव के लिए यूज होगा दैट इज कॉल्ड बाय डिराइव। क्लियर मेरी बात समझ में आया? तो यूनिट के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए, एक फंडामेंटल यूनिट हो गया और एक क्या हो गया, डिराइव। इसके लिए कोई ज्यादा डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो नोट कर लो पूरा फटाक से यहां तक, जल्दी जल्दी। इसका पीडीएफ भी आपको ऐप में मिलेगा ना, इसका पीडीएफ भी ऐप में मिलेगा, मतलब ये नहीं कि आप घर पे नोट करेंगे, पूरा चीज आप क्लास में नोट करेंगे, पूरा फील आना चाहिए।
और यहाँ वाली रश्मि वर्मा क्लास देख रही है, वही थी क्या रश्मि वर्मा? गुड, आना चाहिए आपको, फैसिलिटी मिले ऑफलाइन अटेंड करने के लिए तो करना चाहिए। थोड़ा सा लिखने का काम जल्दी करेंगे, समझ तो गया है ना, ये तो सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। कितने लोगों को जेन्युइन में पूछूंगा, नहीं बता दो कितने लोगों को सच में ये याद हो गया, बस इतने ही लोग, बस और किसी को नहीं है। चलो ठीक है, लिख तो लोगे ना। द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड द फंडामेंटल, और ये आपका बेस्ट जो नोट्स बना रहे हो ना, सबसे बेस्ट नोट्स है, ध्यान रखना। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा यूनिट को थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक चलें। चलो यूनिट्स, इट इज सम रॉन्ग वे, देखो कुछ कई बार क्या होता था पता, बहुत गलत तरीके से भी यूनिट्स को, जब स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में गलत तरीके से यूनिट्स को यूज किया जाता था। सुने होंगे ना, एक मन चावल दे दो, सुने थे कि नहीं सुने थे? अरे दर्जन, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप संतरे जब खरीदते थे ऑरेंज, दर्जन के हिसाब से खरीदते थे कि तौल के खरीदते थे? अभी किलो के हिसाब से हुआ, 2-3-4 साल हो गए उससे, तो तू देख रहा होगा लेकिन मैंने देखा हुआ यार, देखे हो कि नहीं देखे? आप यहाँ पे केले खरीदने जाते हो कैसे खरीदते? नहीं, कुछ जगह पे जाओगे ना वो केजी के हिसाब से मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा पंगा है ना, कहीं पे केले अगर छोटे होंगे तो है ना, है ना, और अगर कहीं पे अगर ऐसे ही अगर मान लो तो उसी हिसाब से जो पहले जो यूज करते थे ना वो बहुत गलत वे में यूज करते थे। जैसे अब इसको बोलते हैं, क्या दिख रहा है ना आपको, इन द सम रॉन्ग वे यूनिट्स वी आर कंसिडर्ड, किसी का पेन नहीं चलना चाहिए सब बोर्ड पे, हाँ, वेयर द फिजिकल क्वांटिटी यूज टू मेजर, ठीक है, लेंथ वाज द मेजर इन द हेल्प ऑफ द हैंड। पहले क्या होता था ना, जमीन वगैरह खरीदने जाते थे ना तो कई जगह पे हैंड से वो काउंट करते थे, कई जगह पैर से काउंट करते थे, ठीक है। अब अगर मान लो मैं किसी से सौदा पक्का कर लेता हूँ कि भैया मुझे 10 क्या चाहिए, इसको बित्ता बोलते हैं ना, 10 बित्ता चाहिए मुझे, ठीक है, और एक बित्ते का मैं तेरे को 1,000 दूंगा, तो बोलेगा ठीक है। अब मैं खली जैसे आदमी को ला कर आप दूं तो 10 बित्ता कैसा हो जाएगा, तो 20-25 बित्ता चला जाएगा, ठीक है। अगर वो अगर आदमी थोड़ा सा बेचने वाला अगर चालाक होगा, बोलेगा बेचूंगा तो मैं बित्ते के हिसाब से, लेकिन बित्ता मेरे मैं लेके आऊंगा, मतलब मैं अपने किसी परिचित को लेके आऊंगा। अगर मान लो किसी बौने इंसान को ला दिया तो उसका तो फिंगर तो कम है ना, छोटा है ना उसका, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा मेजरमेंट पहले हुआ करता था, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान पे रखना, ठीक है। और देखो देखो ये ऐसा चाइना में पाया, जो फुट जो फिट वर्ड आता है ना, जमीन वगैरह खरीदे आप, जमीन वगैरह कभी, अरे कभी खरीद लिया तो बड़े होगा तो खरीदूंगा बोलना, ठीक है, तो सुने तो होंगे ना कि इतना फिट स्क्वायर फिट बिक रहा है, तो ये जो फिट जो है ना फुट से आया, जो फिट है कहां से आता था, फुट से आता। तो जो आप देखे हो ना, आप अपना फुट लेंथ देखते हो ना कितना बड़ा, चप्पल सबको एक साइज लगता है क्या, सबका अलग अलग है ना फुट लेंथ। तो कई चाइनीज लोगों का ऐसा होता था, वहां पर पहले क्या करते थे कि कहीं पे अगर लैंड वगैरह खरीदना, जमीन खरीदना है ना, तो वो ऐसा नाप नाप के करते थे, तो क्योंकि सबका फुट अप्रोक्सीमेट क्या होता, चाइनीज लोगों का सेम होता है, देखो कि नहीं देखो, एवरेज हाइट है उन लोगों का, एवरेज मीन्स सबका हाइट लगभग क्या सेम है, ठीक। लेकिन ये क्या वर्थ इट था क्या? नहीं था ना, क्यों? क्योंकि देखो इसको भी याद रखना, लीग, इसको क्या बोलते हैं, लीग, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय द वॉक। एक इंसान को हम बोले कि तू 1 घंटे तक चल, और वो 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 लीग, ठीक। अगर एक आदमी ये चलता है 1 घंटे तक और एक आदमी ये चलता है 1 घंटे तक, तो दोनों का लीग सेम होगा क्या? डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, हाँ ना, हाँ बोल रही थी, इसका ज्यादा होगा, अभी हाँ बोल रही थी, ठीक है, तो ठीक है, उनके गाँव में इसका ज्यादा होगा, ठीक, तो एग्जैक्टली इसका ज्यादा होगा, रीजन समझ में आया? तो इस पूरे चीज में क्या सीखे, 1 लीग, ये चीज ध्यान रखना, 1 लीग इज द डिस्टेंस ऑफ, 1 लीग डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय वॉकिंग। आप अगर यहां से चलते हो और 1 घंटे तक जितना चलोगे ना उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लीग, समझ में आया? तो ये जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है ना, सारा चीज को आप नोट कर लेना, नोट करके लिखना, क्या करके, आपका नोट बेस्ट होगा। तो लिख लो, 1 लीग इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय, दिख रहा है ना सबको, दिख नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा तुमको? हाँ अब दिख रहा, बोलिए, वो कलर अभी इस बार थोड़ा सा वो हो गया, डार्क हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय वॉकिंग, हो गया ना, याद भी तो हो गया, चलो वेरी गुड। अब हम बाबू ने क्या पढ़ लिया, यूनिट की डेफिनेशन देख लिए, और यूनिट का कुछ रॉन्ग वे था वो भी देख लिए, लेकिन यूनिट के कुछ वो जो रॉन्ग वे था वो आपके एग्जाम में नहीं आया, यूनिट का डेफिनेशन तो देता भी नहीं है, सीबीएसई वगैरह को दे देगा तो ठीक है।
दूसरी बात, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, अभी याद रखो आप जो लिख रहे हो ना, ये आप एग्जाम के परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, ठीक है, सिर्फ सीखने के परस्पेक्टिव से। और 11th जैसे आप नर्सरी गए थे ना, तो सबसे पहले क्या सिखाया गया था आपको, डायरेक्ट ऐसे लिखना सिखा दिए होंगे आपको कि ABCD सिखाया था। तो ये फिजिक्स का ABCD है जो हमेशा काम आने, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स हैं और उन सारे रूल्स को आपको समझना चाहिए। तो अभी हमने यूनिट समझा, तो यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट में समझा रहा हूं, और मेरे साथ साथ नोट करते चल जाना जब मैं नोट करने बोलूंगा तब, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, द यूनिट मस्ट टू बी सुटेबल साइज और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं अगर क्या करूंगा, यूनिट कैसा कैसा होगा, मैं 1 kg बोलूंगा, तो मैं किसी भी दुकानदार के पास जाऊंगा, 1 kg कैसा होगा, सुटेबल भी है और सबके पास क्या है, अवेलेबल भी है। ये उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सबको क्लियर हो गया, ये आता लिखने के लिए, सीबीएसई तेरे को आएगा एग्जाम में, क्लियर हो गया। सेकेंड, अ यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल और प्रोड्यूसेबल। प्रोड्यूसेबल मीन्स, अगर ऐसा तो नहीं कि 1 kg का बाट हमने खरीद के लाया वो खराब हो जाएगा तो दोबारा मिलेगा ही नहीं, दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो ये उसकी 2 क्वालिटीज है। तो फटाक से हेडिंग डालो और ये दोनों पॉइंट लिख लो, क्योंकि टेस्ट में तो आएगा बेटे, जो पढ़ा रहा हूं भले आपके एग्जाम में आए ना आए, लेकिन टेस्ट में तो जरूर आएगा। जल्दी जल्दी नोट करना है, हेडिंग क्या डाले, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स, जल्दी जल्दी लिखें। Okay, done. Done, na? We have a weight of measure 100 and 200 grams. ठीक है, चलो ये तो उतना आपको वो नहीं है, सब ऐप में डाल दूंगा, देख लेना। पॉइंट थर्ड, द यूनिट मस्ट टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका मतलब समझते हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब यूनिवर्स में कहीं भी, मतलब किसी भी कंट्री में जाओगे वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलो तो इसको लिख लो, द यूनिट मस्ट टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं, ऐसा हर क्लास में बोलता हूं, पूछता नहीं हूं ना, लेकिन अगली क्लास से पूछना चालू करो, कर लेंगे ना, नहीं होगा, हो गया बोलो, हो गया ना। देन द फोर्थ पॉइंट, अ फिजिकल यूनिट मस्ट टू बी यूनिवर्स, क्या था, इनवेरिएबल। समझते हो इसका मतलब, इनवेरिएबल का मतलब समझते हो, जो इनवेरिएबल का मीन समझ लो। अब अगर मान लो वेरी का और इनवेरी का मतलब समझते हो, वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, और इनवेरिएबल का मतलब क्या होगा, देखो इसका एक एग्जांपल समझा, इसका एक एग्जांपल समझाता हूं। एस्टरडे अ किलोग्राम कितना था, 1000 ग्राम, बट टूडे किलोग्राम क्या है, ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं मैं क्या खरीदने गया, चावल खरीदने गया, और मैंने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 1 किलो चावल दे, तो उसका क्या करेगा, 1000 ग्राम चावल दिए, कब दिया, सैटरडे को, संडे को गया मैं बोला फिर से 1 किलो चावल दे, लेकिन अब वो कितना देगा, 800 ग्राम, क्यों देगा, क्योंकि संडे छुट्टी होता है, इसलिए 200 ग्राम काट लेगा, समझ में आया, हाँ बोल रही है, ऐसा होता तुम्हारा, नहीं काटेगा ना, तो इनवेरिएबल है कि वेरिएबल, मतलब चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो इनवेरिएबल, समझ में आया। यूनिट्स कैसा होना चाहिए, इनवेरिएबल, भाई बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, जब भी खरीदने जाऊंगा तो वो क्या होना चाहिए, वही होना। तो इनवेरिएबल और वेरिएबल का मीन समझ में आ गया, क्लियर है पक्का सबको, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये इनवेरिएबल होना चाहिए, इट शुड नॉट टू बी अ प्रेशेबल, समझते हो इसका मतलब, उसकी जरूरत भी नहीं है अपने को। अब जो बता रहा हूं ये चार पांच पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना बंद करेंगे और ध्यान देंगे, ये आपके एग्जाम में क्वार्टरली में आएगा। रिलेशंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, किसके किसके बीच रिलेशंस बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड, चलो मैं कुछ लिख रहा हूं अच्छे समझ लिख कोशिश करता, ठीक है। अगर मैं क्या लिखूंगा, 25 किलोग्राम लिख सकता हूं ना, 25 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं, 25,000 ग्राम लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। 1 ग्राम कितना मिलीग्राम होता, मिली का मतलब समझते हो ना, चलो उतना आगे भी लेके नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नॉन इक्वल है, मतलब इक्वल हैं कि नहीं, इक्वल हैं कि नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से,
ये क्या है केजी यूनिट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे यू से। ये फर्स्ट था एन वन यू वन, और इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा एन टू और इसको यू टू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सिंपल है ना यार। ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है मतलब दिमाग की बत्ती चला लो तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट भी होगा। अभी तो पढ़े थे थोड़ी देर पहले। अब अगर मैं ऐसा लिखूंगा एन वन यू वन तो इसका वैल्यू क्या चल रहा है एन टू यू टू। लेकिन कुछ सोचने की बात है, केस फर्स्ट मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, क्या एन वन जो है वो एन टू के इक्वल है कि नहीं, एन वन एन टू के इक्वल है कि नहीं, है ना। खड़े तो, खड़े तो। इनके गांव में क्या होता पता, कोई 25 मांगता तो 25,000 दे देता। हाँ ये 25 है और ये 25,000, दोनों सेम होता है क्या, सिंपल सी बात है ना। मतलब ये बहुत रही से होता है, कोई 25 मांगता तो 25,000 दे देता, ऐसा होता है क्या। चल ये नहीं होता, चल ये समझ में आया कि ये नहीं होता। चल केस टू, एक और चीज बता दे, केस टू में क्या यू वन यू टू के बराबर है? यस, नहीं बराबर। क्यों नहीं बराबर? गर्ल्स पीछे बताएंगे, तुम बताओ जो न्यू आई है आज, फिर बताने की इच्छा है। क्या एक केजी एक ग्राम के बराबर नहीं है? केजी ग्राम के बराबर है कि नहीं है? तुम बैठो, आज आज तुम्हारा पहला दिन है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम बताओ क्या केजी ग्राम के बराबर नहीं है? एक केजी एक ग्राम के बराबर नहीं, क्यों? थाउजेंड, मतलब केजी ग्राम के बराबर कैसा हो सकता है? ठीक है, शॉपकीपर के पास गए, बोले एक केजी क्या दे दो, चावल दे दो, वो एक ग्राम दे देगा तो लेके आ जाओगे, ऐसा होगा क्या? तो मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का वैल्यू इक्वल है। मींस जब ये वैल्यू इक्वल होता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। याद रखो फिजिक्स में जब कोई चीज बार बार एक जैसा चलता है ना, जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इतनी सी बात क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल मैं यहां पे समझाता हूं आपको बड़े अच्छे से, ठीक है, तैयार हो? सोचो कि मेरे पास 12 किलोमीटर को मैं चेंज किया 12 मीटर, तो क्या होगा 12,000 मीटर। अब इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज किया तो 12, फिर दो टोक और आ जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आ मेरी बात? क्या ये तीनों इक्वल है कि इक्वल नहीं है बता दो? मतलब तो एक ही हुआ ना, एक रुपया बोलूं चाहे 100 पैसे बोलूं, मतलब तो एक ही हुआ। लेकिन एक और 100 एक जैसा हो सकते हैं? सोचो ये क्या है N1, ये क्या है U1, ये क्या है N2, ये क्या है U2, ये क्या है, ये क्या है यार, ये तो आपस में बराबर है, इनका सॉरी इनका प्रोडक्ट तो आपस में बराबर ही चल रहा है ना। मतलब N1 U1 किसके इक्वल है? N2 U2 और N2 N3 U3, ये तो आपस में बराबर है। जो हर जगह पे सेम रहता है ना तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? याद रहेगा नहीं रहेगा? तो मैं एक चीज समझ में आ गया कि भैया डायरेक्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड। बताया था ना थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट वाला क्या होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है यूनिट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इन यूनिट ऑलवेज कांस्टेंट, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को एक चीज डाइजेस्ट हो गया, समझ में आ गया? नहीं आया, नहीं आया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालता हूं, ध्यान समझो। अगर मैं यूनिट लिखूंगा ना, अब मैं क्या करूंगा यूनिट, जब यूनिट लिखूंगा तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। तो जब कांस्टेंट को हम निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनल। याद है कि नहीं याद है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं यूनिट? अरे आप पढ़े होंगे ना एफ प्रोपोर्शनल टू एम, ऐसा कुछ नहीं पढ़े क्या? जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो जब कांस्टेंट को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? नहीं पढ़े हैं? कुछ तो जवाब दो। कितने लोग पढ़े हैं कि कितने लोग पढ़े भी नहीं? पढ़े कि नहीं पढ़े? जीवन में पहली बार है, पहली बार है। चलो देख लो फिर, पहली बार है। तुम देखो अभी हमने क्या निकाला कि जो यूनिट था ना वो किसके प्रोपोर्शनेट है, मैग्नीट्यूड के। तो इसको भी आप नोट करके लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। द यूनिट इज ऑलवेज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, ठीक। रुको, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ऑब्टेंड मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा रेड हो गया तो आप समझ लेना, ठीक है। अभी जो चीज लिखा हो ना, अभी पीछे से स्टार्ट करना, मतलब ये पिछला स्लाइड से यहां से स्टार्ट करना, लिखना, लिख लोगे फटाक से नोट करो यहां से पूरा। हेडिंग क्या रहेगा, रिलेशंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी लिखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है।
और लिखेंगे क्लास में, ठीक है। पीडीएफ तो मिलेगा इसका पूरा, लेकिन अब सोच रहा हूँ क्लास में आपको लिखना चाहिए। तो याद रहेगा ना कि जो यूनिट है वो किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, मैग्नीट्यूड यूनिवर्सली और इसका प्रोपोर्शनेट दोनों बताता चला जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो अभी, हालांकि आगे फिजिक्स में पढ़ोगे आप। ये रश्मि वर्मा एकदम कॉन्स्टेंटली देख रही है, एक बार भी वो हटी नहीं है क्लास से। गुड, बोला करो रेगुलर आप जब आके अटेंड करने की, तुम्हारी फ्रेंड है बोलो अटेंड करने के लिए। क्या बोलूं, नहीं वो एग्जैक्टली मैं मिस हो गया थोड़ा सा, हो गया कंप्लीट। अरे खुद से नहीं बना सकते क्या, नहीं बना सकते। मेन ये लाइन है ना, ये आपको याद रहना चाहिए, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में क्या डिफरेंस है मैं बताऊं कि पता है, अभी सीख लो है ना, अभी सीखना है ना, रुक जाओ। देखो ए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब ये है ना कि बी रेज करेगा तो ए भी क्या करेगा, रेज करेगा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, अगर बी का वैल्यू बढ़ा तो ए का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन कई बार अगर ऐसा होता है ना कि भैया एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस वाले केस में देखो जैसे ये बढ़ रहा है, ये 12 से क्या हो गया 12,000, देखिए यहाँ पे बहुत नींद है, 12 से क्या हो गया 12,000, 12,000 से क्या हो गया 12,00,000। तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन इसका पड़ोसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। कैसे, वो किलोमीटर था, फिर किसमें आ गया, मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में, समझ में आ रहा। तो एक बढ़ रहा, दूसरा क्या हो रहा, घट रहा, इसलिए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट। अगर ऐसा होता ये भी बढ़ रहा और ये भी बढ़ता तो क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। क्लियर है, नोट कर लिया यहां तक पक्का सबका, चलो ये यहां तक हो गया। वेर एन वन इंटू, इसको नोट कर लो, इसको उसी के नीचे नोट कर लो, उसी के नीचे नोट करो। बोलो बोलो, दोनों नोट करना वहां था, दोनों नोट करना, जितना दिख रहा सबको समेट लो, है ना, ये आपके नॉलेज को इनहांस करेगा। डन, अरे इतना इतना डन लगता है लिखने के लिए, हो गया ना, कुछ बोल रहा है क्या, चलो। और खुद से लिख भी सकते हो ना यार, नहीं लिख सकते हो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ऑप्टेंट, उसी को क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। चलो डन, और ये पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, लेकिन कॉपी में चेक करूंगा आपका, है ना, आपका कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। डन, चलो अब बात करते हैं, यूनिट सबको क्लियर हो गया दिमाग में, यूनिट क्लियर हो गया। यूनिट कितने टाइप में होता है, दो टाइप में, एक फंडामेंटल, दूसरा क्या होता है, डिवाइड। क्लियर, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ध्यान समझो, बहुत इजी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट, हम तीन तरीके के सिस्टम्स को यूज करते हैं, एग्जैक्टली चार होता है, लेकिन तीन के बाद चौथा बनाता, पहले तीन बनाता, ठीक है। एफपीएस सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखो, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुल फॉर्म यहां पे दिया हुआ। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, कोई दिक्कत, हम अलग अलग तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। जैसे अगर मैं बात करूं एमकेएस, तो मीटर को किससे नाम काउंट करूंगा, लेंथ को किससे काउंट करूंगा, मास को, टाइम को, कोई दिक्कत, याद हो गया। एमकेएस का फुल फॉर्म से आप निकाल सकते, तैयार हो, चलो। अब मेरे साथ साथ सिर्फ देखेंगे, और जिसे पूछता जाऊंगा, जो बहुत चिल्ला आवाज इनका तेज था ना, वो लोग बोलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरिया, मैंने बीच में लिखवाया भी था और बोला था कि सारे डेफिनेशन से याद कर लेना, तो प्लीज क्लोज योर कॉपी और पे मोर अटेंशन है, अपने कॉपी क्लोज करेंगे और पूरा अटेंशन इन बोर्ड, ठीक। लिखवाऊंगा एक साथ, बहुत सारा बोर्ड में भर दूंगा, फिर आराम से लिखते हैं,
एरिया इज इक्वल टू एरिया का डेफिनेशन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक यार, इन एमके सिस्टम लेंथ को किससे मेजर करते हैं दोस्त, अभी बताया था एमके सिस्टम में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, अभी तो पढ़े थे ना, तो इसको क्या लिखूंगा, मीटर स्मॉल एम लिखूंगा, और ब्रेड्थ को भी किससे काउंट करेंगे, ये भी मीटर, तो इट बिकम्स मीटर। कोई दिक्कत नेक्स्ट क्लास में याद होगा, अभी क्या लिखा हूं, वॉल्यूम लेंथ ब्रेड इंटू हाइट, लेंथ तो किससे काउंट करते हैं, ब्रेड्थ को, हाइट को, इट बिकम्स, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए सेम। हाँ, वेलोसिटी के लिए आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड के लिए आएगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो मैं डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब रीजन आगे लॉ ऑफ मोशन में आप डिटेल से पढ़ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है यार, तुम बताओ दोस्त, खड़े हो जा, डिस्टेंस को तू एमकेएस में किससे काउंट कर, मीटर से, और टाइम को, बैठ जा, तो ये क्या होगा मीटर और इसका होगा सेकंड। बेटा ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं पर, क्या बोलते हैं इसको, पर। तो पढ़ेंगे कैसे, मीटर पर सेकंड, कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड, सबको याद हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना, नेक्स्ट क्लास में याद रहेगा, पक्का डन ना, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन, नाम सुने हो, नहीं सुने हो, एक्सेलरेशन इट इज अ वेलोसिटी बाय टाइम, क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास यार, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इट बिकम्स, दोस्त पढ़ के बता इसको क्या लिखे, सुपर, बहुत बढ़िया, तालियां, मत मारो, इतना बड़ा काम नहीं किया, अब वो करेगा बड़ा काम, खड़े हो जाए, ठीक है, अब वो बेचारा बोल रहा है कि क्यों मार रहे हो, मत मारो, ठीक है, चल भाई खड़े, चल बता फोर्स का बता, क्यों नहीं आते, मैं बोला था ये एक्सक्यूजेस नहीं देना क्लास, चाहता ना तेरा एकदम फिजिक्स एकदम बूम हो, देख इतिहास गवाह है, बात नहीं करना, ठीक है, इतिहास गवाह है कि जो टॉप पे गया है ना, या तो उसका फिजिक्स बहुत अच्छा होगा या तो फिजिक्स बहुत गंदा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा, तो जो भी कंपटीशन एग्जाम देगा ना, सारे कंपटीशन एग्जाम की जान है फिजिक्स, और कब बनेगा, जब तू पढ़ के आएगा, ठीक है, तो आज तो तेरा एक्सक्यूजेस चल जा रहा, नेक्स्ट क्लास में कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, ठीक है, कौन बताएगा, गंजानी बता दे भाई, क्यों ये भी बद लिखवाया हूं मैं उस दिन, पढ़ के आने बोला था मैं, तुम बोलो, हाथ उठा, तेरे को नेक्स्ट पूछूंगा दोस्त, निराश मत, ठीक है, मास इनटू खड़ी रहो पूरा मास, बाकी बच्चे ध्यान पे रखना, और इसका मैंने प्रिंट भी दिया है, ठीक है, और प्रिंट लाके जमा कर दो, आप लोग पढ़ते नहीं हो, मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन, जो न्यू एडमिशन से वीडियो रखा हुआ आराम से देखना, मास को किससे काउंट करते हैं ऐसा है, बाकी कोई किसी से बात करते हुए नहीं दिखना, क्या होगा केजी, और एक्सेलरेशन का कल बताया था, बता एक्सेलरेशन का बताया ना, अंदरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ देख ले, ठीक है, मेरे पे मत जाना, मैं तो एकदम कंफ्यूज करने के लिए खड़ा हुआ, इसमें क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यार बैठो, आज के बाद फोर्स का यूनिट बोलेगा तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर, ये ऐसे चीजें जो डेली यूज होने वाला, तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितने लोगों को याद है, वेलोसिटी का कितने लोगों को याद है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का क्या होगा स्क्वायर, और उसी में अगर केजी आ गया तो क्या बन गया फोर्स, लेकिन काम की बात बताओ, ध्यान से रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, तो बेटे याद रखो फोर्स के बारे में ना, एप्पल ग्रेविटेशन कुछ याद आ रहा है, आइंस्टाइन बैठे थे सोए थे याद है, कौन था आइंस्टाइन सोया था ना, न्यूटन ने सोया, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में क्या किया था, क्या सच में न्यूटन सोया था, अच्छा लेटर, अच्छा एप्पल का पेड़ ना होता, ऑरेंज का पेड़ होता तो डिराइव कर पाता कितने का, कर लेता ना, अच्छा ऐसा क्या उनके दिमाग में चल रहा था पता नहीं, जानते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेहतरीन चीज बताता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली वो क्या उस एक दो दिन का उसका रिसर्च था, बहुत दिन का रिसर्च हुआ, जानते हो कितना, 8 साल की एज से रिसर्च चल रहा था उसका, ठीक है, आप कभी न्यूज़पेपर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो न्यूज़पेपर, ये तो बोलती है नहीं देखे ही नहीं है, रिस्पॉन्स क्या है, न्यूज़पेपर पढ़े हो ना, कभी समोसे खाए हो, न्यूज़पेपर में ला के समोसे खाए हो, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कैसा होता है, मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स एकदम लाइन से लिखा रहता है कि थोड़ा आड़ा टेढ़ा, एक न्यूज इधर तो एक न्यूज इधर, एक न्यूज ऐसे ही रहता है ना, कैसा रहता तुम्हारे गांव में, इनके गांव में ऐसा रहता, एक आर्टिकल इधर एक इधर एक इधर,
ठीक है, लेकिन अपने गांव में थोड़ा डिफरेंट है बेटे। अपने गांव में क्या होता पता, एक आर्टिकल इधर तो इधर कुछ और, ऐसा होता है ना, इधर अलग अलग। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर मैं पेपर को साइज से फाड़ूंगा ना तो पूरा एक स्टोरी एक पेपर में कवर करेगा जरूरी नहीं है। बात समझ में आए? तो जब आप पेपर जब ही समोसे वगैरह खाते हो, आज जाके गौर करना, सामने मिलता समोसे, ठीक है ना, तो जब जहां तेरी इच्छा अच्छा लगता वहां खा लेना, तो वहां पे देखना जो न्यूज़पेपर में जो आपको आर्टिकल मिलेगा वो पूरा एक कवर नहीं रहेगा, आधा लिखा होगा और आधा नहीं लिखा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कई लोगों का माइंड ना दो तरीके का होता, एक तो क्रिएटेड माइंड होगा और एक नॉन क्रिएटिव। कभी आपने सस्पेंस मूवी वगैरह या भूत जो हॉरर मूवी वगैरह देखा है? देखा सस्पेंस मूवी वगैरह देखा है कि सीरियल चल रहा है एकदम आप सस्पेंस खुलने वाला, तो उस समय आप अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देखना। और अगर मान लो उसी सिचुएशन में अगर फटाक से लाइट गोल हो जाए तो दो काम होगा, दो काम कर सकते हो, चुपचाप जाओगे तान के सो जाओगे, बाहर में जाए मेरे को क्या फर्क पड़ता। दूसरा क्या होगा, अगर आपका माइंड एक्टिव होगा ना तो उस चीज के बारे में आप सोचते रहोगे यार क्या हुआ होगा, कौन मारा होगा, क्या रामू को आका ही मर्डर थे, समझ में। तो ये दो तरीके का, तो जो न्यूटन था वो सेकंड कैटेगरी का, वो 8 साल की एज में एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को पढ़ा था जिसकी क्यूरियोसिटी उसके अंदर थी कि यार उसका रिजल्ट क्या था, समझ में। उस रिजल्ट को खोजते 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 21 इयर्स में उसको मिला था जब एप्पल नीचे गिरा था। जानते हो स्टोरी क्या है? जानना स्टोरी क्या है? तो आज ही थोड़ी फिजिक्स खत्म होगा, अभी तो पूरा साल भर चले, मैं आगे क्लासेस में स्टोरी भी सुना दूं, ठीक। तो चलो अभी इतना समझ में आ गया। तो फोर्स मेनली हम डेडिकेट किसको करते हैं? न्यूटन। तो आज के बाद कभी भी अगर मैं क्या बोलता हूं देखते रहो, बात नहीं करेंगे ना। आज के बाद अगर कभी भी एक न्यूटन बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हालांकि जो मैं न्यूटन लिखा हूं ना दो तरीके से लिख रहा हूं, क्या दोनों ही एक्सेप्टेबल है क्या, है ना, है क्या फर्क पड़ता है? न्यूटन तो बड़ा दिखा तो न्यूटन पढ़ूंगा, छोटा दिखा तो न्यूटन पढ़ूंगा, ऐसा है क्या? तो दोनों को ही मैं न्यूटन पढ़ूंगा ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे कोई फर्क पड़ता है क्या? एग्जाम में भी आएगा तो इसको भी लिखेगा तब भी पास होगा, इसको भी लिखेगा तब भी पास होगा। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं प्रेसाइज फिजिक्स, एग्जैक्ट फिजिक्स, जो आपको जीवन भर काम आए, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट फिजिक्स है ना वो डिफाइन करता कि भैया न्यूटन ऐसा नहीं लिखना चाहिए, न्यूटन एग्जैक्टली ऐसे लिखना चाहिए, आगे सारे रूल्स में लिखवाने वाला, समझ में आया। तो आज के बाद जब भी न्यूटन लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखो, इसका सिंबल अगर यूज करेंगे तो दैट इज कैपिटल एन, गॉट इट, क्लियर है। तो आज के बाद अगर मैं एक न्यूटन बोलूंगा तो दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया। किसको डेडिकेटेड है? न्यूटन को। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोगों को याद हो गया? अब इसको नोट करना, ये एक प्लस कहां से आ गया? अच्छा याद रहेगा, याद रहेगा, ये हट नहीं था, चलो नोट करना है, अभी आगे तो बहुत सारा लिखना है, अभी लिखो इसको फटाक से, नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो फटाफट, नोट करो, है ना। अभी कौन सा सिस्टम, के एमके सिस्टम लिखे थे, पूरा सिस्टम टाइप्स लिखे थे, तो कहां से लिखना चालू कर दे, यहां से लिखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखे हैं तो जब मैं बढ़ जाता हूं ना तो बोल दिया करो लिखना है करके, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हेडिंग रहेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हेडिंग रहेगा, हो गया। चलो अब लिखो, मेनली 4 होता है, एक बाद में आया था उसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। FPS डायरेक्ट लिखो, सिस्टम CGS सिस्टम MK सिस्टम, हो गया, डन करें आगे। चलो कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? MKS। MKS में M क्या है, K क्या है, S क्या है, तो लेंथ को किससे नापते हैं, मीटर से, किलोग्राम और टाइम, हो गया, हो गया, लिख लिए। अब इसको नोट कर लो फटाक से, यहां पर अब पूरा MKS सिस्टम चलेगा। हो गया फटाफट, है ना, ये तो डेफिनेशन तो याद होगा ना बच्चे। अभी नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को लगेगा इसका, ना थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है, तो अपने ऐप में देख के आना, टाइम टेबल पूरा आपके ऐप में है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, हो गया दोस्त।
नहीं लिखा वो ना, पता क्या लिख रहा, वो बॉडी को बस देख के लिख रहा, नीचे नहीं देख रहा, लेट हो जाएगा। गुड, याद हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो देख ऊपर देखने के चक्कर में टेबल में मत लिख देना पूरा, है ना। नहीं वो टेबल में भी लिखना चालू कर देगा। हो गया ना, बढ़ू आगे, हो गया दोस्त। अब एमकेएस में थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, अब रुक जाएंगे प्लीज। नेक्स्ट, ये चाहे वर्क हो चाहे क्या हो, एनर्जी हो, किसकी किसकी बात कर रहा हूं, वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों के लिए एक ही यूनिट होता है। या वर्क का डेफिनेशन बताओ, खड़ी हो जाओ, अब फिर से खड़ी हो जाओ जल्दी। ये पड़ोसन खड़ी होगी ना, अच्छा वो बेचारा परेशान हो रहा था, खड़े हो भाई जल्दी जल्दी खड़े। वर्क का डेफिनेशन बताओ, मैं पिछली क्लास में लिखवाया था, मैं बोला था पढ़ के ही चाहना, बोल पलटो मत, कॉपी कॉपी नहीं पलटना, पता है तो हाँ नहीं तो ना बोल, लेकिन पढ़ के आना चाहिए। ये जो एक्सक्यूजेस अब नहीं चलेगा क्लासेस में, बोल कितने लोगों को पता वर्क का, प्लीज रेज़ हैंड, नहीं पता है ना। दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वर्क, किसको बोलते हैं यार, मैं इस वॉल को धक्का मार रहे वर्क कर रहा हूं, तो मेरा वर्क काम कर रहा है, कब काम करता, जब दीवार पीछे चल जाता, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसमें डिस्प्लेसमेंट होता, तब उसको क्या बोलते हैं वर्क, समझ में। चल बैठ जा, दोबारा एक्सक्यूजेस नहीं देना दोस्त ना। तो सर क्या होता है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को किससे काउंट करते हैं, अभी तो बताया था न्यूटन, किससे काउंट करते हैं या डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट यहां था वहां चला गया था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन मीटर, किससे नापते हैं मीटर, तो यहां पे क्या आएगा मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर किसका है, वर्क का यूनिट होता है, याद रहेगा नहीं रहेगा। यार थोड़ा सा और करेक्शन करना चाहता हूं मैं, वन न्यूटन अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ तुम खड़ी हो जाओ। वन न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, वन न्यूटन को क्या लिख सकता हूं इन फंडामेंटल, हाँ मतलब वही था फंडामेंटल इससे पहले, दैट्स गुड, तालियां। अरे बस बस वो फिर ज्यादा खुश हो जाएगी ना। इस पूरे न्यूटन का वैल्यू मैंने लिखा इनटू क्या चला था मीटर, मीटर मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाए। डाउट है कहीं पे, डाउट है कहीं पे। यार एक साइंटिस्ट था, दैट नेम आर जेम्स प्रेस्कोट जूल, क्या नाम था जूल, तो जूल जो जेम्स प्रेस्कोट जो जूल थे वो एनर्जी को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो उनके जाने के बाद उनका नाम जो है ना वर्क और एनर्जी के फॉर्म में क्या करते हैं, उनको डेडिकेट करते हैं, ठीक। तो वर्क और एनर्जी का अगर एमकेएस फॉर्म में अगर यूनिट पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, जूल लिखोगे, क्या लिखोगे जूल, ठीक है। तो आप जूल दो तरीके से लिख सकते हो, या तो न्यूटन इंटू मीटर को भी जूल बोलते हैं, या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप डेफिनिशिएट देखो, एक्सेलरेशन से क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, केजी आ गया तो न्यूटन हो गया, अब केजी के साथ मीटर था, मीटर का अगर स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया जूल हो गया। बात समझ में आ रहा, आप जैसा भी हो याद कर लेना, ये सारे काम की चीजें हैं, क्लियर है। तो एक जूल बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। अभी लिखना नहीं है, जो लिखते हुए पाएगा उसी से पूछूंगा मैं, ठीक है। यस बोलो। अब आता मोमेंटम, मोमेंटम के लिए क्या यूज होता है दोस्तों, बता पता, हाँ पढ़ के आना चाहिए, लिखवाने के बाद भी अगर पढ़ के नहीं आओगे ना तो कोई मतलब नहीं, पता बोलो, सुपर। देखो थैंक यू बोलो दीदी को, साथ हाँ गुड, मास इनटू, अब वो बोलेगी दोबारा तो मैं बोलूंगी नहीं, है ना दीदी बोलते हैं लोग, ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। अब वो लड़की का ईगो हर्ट हो गया होगा, तेरे को दादाजी बोलने बोलेंगे तो दादाजी भी बोलेंगे, ठीक है कोई दिक्कत, बारी तेरी भी आएगी बेटी। मास बोल, मास को इनके गांव में मीटर से मतलब, आलू खरीदने जाएंगे ना 10 मीटर आलू दो कुछ भी, तो ये क्या होता है केजी, वेलोसिटी का बता, अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल फिर से, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है मेरी बात पे ना जाना, ठीक है समझ गए, डन। चलो अभी रुको और लिखवाता हूं, बहुत सारा लिखवा दूंगा और बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए पेपर भी दिया हो ना, पेपर पेपर दिया हो ना, नहीं दिया हूं। इंपल्स, क्या किसकी बात करते हैं इंपल्स, ये क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। आप वॉल में एक बॉल को फेंक रहे हो ना, फेंकते हो कि नहीं फेंकते, तो वो कितने देर तक
मतलब कितने टाइम तक वो बॉल जो है उस वॉल पे फोर्स वॉल बॉल फेंक रहे हो ना, तो आया रुकेगा कि निकल लेगा? अगर ये तेलुगु मूवी होता तो वो आता यहाँ पे रहता फिर हो जाता, जैसे उन लोग गोली को भी क्या करते हैं ऐसा मोड़ देते हैं ना, ठीक है सेम यहाँ पे। तो अगर तेलुगु मूवी होता तो क्या आता, ये ऐसा करके आता थोड़ी देर तक रहता फोर्स लगाता फिर हो जाता, फिर थोड़ी देर बाद दीवार का होता गिर जाता, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, मैंने एक बॉल लिया 10 न्यूटन का फोर्स लगा और फेंक दिया, तो कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, जितने टाइम तक जितना फोर्स अप्लाई करेगा उसी को क्या बोलते हैं उसका इम्पल्स, ठीक है ध्यान पे रखना, ठीक है। अच्छा ये इम्पल्स के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है पता, इसका जो इन्वेंशन हुआ था बहुत, अभी तक ये जो चीजें देख रहे हो ना इंसेप्ट में इतना टाइम लगा था जितना टाइम इसको इन्वेंशन करने में टाइम लगा, ठीक है। जानना चाहते हो क्या क्लासेस लॉ ऑफ मोशन में पूरे डिटेल से पढ़ोगे, लॉ ऑफ मोशन में पूरे डिटेल से पढ़ोगे। तो यार फोर्स का यूनिट क्या होता, फोर्स का यूनिट क्या होता, अभी तो बताया था न्यूटन, याद है ना, क्या लिख सकते हैं इसको न्यूटन। टाइम का क्या होता है सेकंड, यार 1 न्यूटन इज इक्वल टू पर सेकंड ऑलरेडी क्या है, तो सेकंड क्यों हो जाएगा, होगा ना कट जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। तो इंपल्स का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या यार आज से पहले किलोग्राम मीटर पर सेकंड आज ही क्लास में और कभी देखे थे क्या साथ में? घनसानी रुके जा, कंट्रोल कर बेटे इमोशंस को, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। कभी देखा था तू दोस्त आज ही क्लास में कभी इन तीनों को साथ में देखा? कब देखा? थोड़ी देर पहले देखा। यस क्या होता पता, कई बार हमारे पास आंख होते हुए अंधेरे होते हैं, कैसे पूछ, जोर से पूछ कैसे, ऐसे। अभी तो पढ़े मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अभी नहीं तू बोला थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तू बोर्ड पे थोड़े दिखा सकता था, घनसानी तेरे पीछे नीचे से वो क्या कर रहा, वो उंगली निकाल भी रहा था तभी तू उसका उंगली दिखा नहीं, ठीक है हैरत निकाला था ना। अच्छा ठीक है समझ में आ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखे कि भैया चाहे मोमेंटम हो चाहे इंपल्स हो दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम। याद रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा इसको खड़ा करने के पीछे कोई भी भूल जाओ लेकिन ये बंदा कभी नहीं भूले, क्यों पूछो, क्योंकि इसको खड़ा करवाया था, ठीक है चीज समझते है इसकी बात को, मैं तो एक अच्छी चीज समझाता हूँ, ठीक है। अगर मान लोगे ना कोई अगर मुझसे पूछे कि यहाँ चोट कैसा लगा, तो मैं बोलूंगा आज से ठीक 20 साल पहले या 10 साल पहले शनिवार का दिन था और हल्की बारिश हो रही थी और मेरी सिस्टर ने ऐसे पकड़े घुमा रही थी और वहां पे मैं गिर गया, एक बाल्टी रखा हुआ था पीले कलर की बाल्टी थी, सारा चीज याद आ गया ना। कैसे याद आया, क्योंकि घटना से जो चीज को जोड़ देते हैं ना वो चीजें हमको क्या होती है, याद है। अब तेरे से जोड़ दिया ना अब तेरे को याद रहेगा, इसलिए सबको जोड़ता रहता हूँ, समझ में। तो अब बाकी लोगों को अगर कुछ घटना याद करना तो पेन वेन गोप देना अपने में, हाँ इम्पल्स और वो उस दिन की बात है जिस दिन मैं पेन गोप दिया था, ठीक है कर लेना अपने सिक्चर्स, सच में मत कर लेना भाई, हाँ ठीक समझ में आ गया। इम्पल्स ऐसे बहुत सारे, कितने का लिखवाऊ मैं, ठीक है। जैसे पावर सुने हो ना, पावर सुने हो, वर्ड सुने हो ना, सीख लो। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क बाय टाइम होता है। ये सब याद करो, ये सब आपको बाकियों से अलग करने वाली चीजें हैं जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक। चाहते हो ना क्लास में सबसे अलग दिखो, नहीं चाहते हो? अरे नहीं चाहते हो क्लास सबसे अलग दिखो तो अलग कपड़ा पहन के जाओ, अलग ही दिखोगे, ठीक है। अलग दिखना नहीं, अलग पर्सनालिटी आपकी क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। टीचर आपको छोड़ के सबसे पूछना चाहिए, क्योंकि टीचर खुद घबरा रहा है, बेटा इससे नहीं पूछूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर खुद घबरा रहा है, क्योंकि अगर मैं टीचर अगर ये से पूछा, अगर ये मुझसे पूछ लिया तो क्या होगा, है ना। तो ऐसा बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? वर्क का यूनिट क्या था, जूल, और टाइम का क्या होता, सेकंड। जूल पर सेकंड को आप एक वर्ड सुने हो, अपन मूवी वगैरह में देखते ना, मैं तेरी वाट लगा दूंगा, सुने हो नहीं सुने? अरे नहीं सुना है क्या? सुने एग्जैक्टली उसके पीछे की फिजिक्स देखो, मैं तेरी वाट लगा दूंगा, वाट यूनिट होता पावर का, मतलब मैं तेरे में पावर लगा दूंगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? देख मतलब जो बोलने वाला भी ना, जो गुंडा होगा वो फिजिक्सिस्ट होगा, मतलब वो फिजिक्स के बारे में जानता होगा, समझ में आया? तो आप समझो यहाँ पे, तो जो पावर, ठीक है, पावर का यूनिट क्या निकाला हमने, जूल पर सेकंड। यार एक जूल बराबर कितना होता दोस्त, बोल जल्दी खड़े। हाँ अभी तो बताया, टेक योर टाइम,
टेक योर टाइम का मतलब दो तीन घंटा मत ले लेना भाई, क्लास का टाइम खत्म होगा मेरी क्लासेस से। घनसानी सुपर यार, बढ़िया खड़े हो जा, तू डिजर्व करता है। और पीछे अकाल पड़ा हुआ, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही क्यों नहीं कर रहे? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा पीछे गर्ल्स। बोल बोलो बोलो बाय। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑलरेडी क्या चल रहा है सेकेंड, क्या ये कटेगा कि मल्टीप्लाई होगा? सच में यार इसको भी क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं भैया? ऐसे तो बहुत सारे, सबको थोड़ी बताऊंगा, तो अभी याद रहेगा जितनी सारी चीजें बताए हैं। पावर का यूनिट वाट, वन वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, बाकी सारी चीज ये नोट हुआ था क्या? ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, कर लो जल्दी से। मंडे से ड्यूरेशंस क्लास की बढ़ेंगी 1.5 आवर, ठीक है, कि 2 घंटा कर दें? अरे बाप रे, क्या बोलता है, आधा घंटा कर दें? अभी तेरा पड़ोसी तो 1 घंटे क्लास में ऐसा कर रहा, वो 4 घंटे क्लास में तो फ्लैट में जाकर नीचे सो जाएगा। ठीक है, प्लीज रिमूव। अच्छा वो ये नहीं बोली सर प्लीज रिमूव, मैं तो गायब हो जाता फिर। और ये पूरा पीडीएफ आपको आपके ऐप में मिलेगा बच्चे, है ना, जो जो लिख रहा हूं पूरा मिलेगा, लेकिन क्लास में अब नोट करना भी कंपलसरी। तुमको कुछ क्लियर हो रहा है दोस्त? आज फंस दे तुम्हारा, तुम वो उसी के क्लास के, मैथ्स में बायो में मैथ्स लेने वाले थे ना, तो मिल गया क्या बोले? तुम्हारा परसेंटेज कितना है? कुछ हुआ था क्या अभी? चल अभी और रिकॉर्डेड है यार, मैं कैसा कैसा बहका देते हो इंसान पे, मैं तुम्हारी भावनाओं में बहक जाता हूँ और बोलने लग जाता हूँ, छी गंदे लोग हैं। हो गया क्या? तो यहाँ पे नोट का, अभी नोट मत देखो क्योंकि बहुत सारा तो मैं लिखवाऊंगा। तो इंपल्स और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, चले आगे। चलो अच्छा, जो चीज अभी देख रहे हो ना, ये आप घर पे बैठ के भी देख सकते हो, जैसे वो ऑफलाइन वालों में रश्मि देख रही है, ठीक, रेशमी है ना। चलो समझ में आ गया पावर, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये वाला ना, जल्दी नोट कर। चलो जल्दी 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 जल्दी, हो गया ना। अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं सीजीएस, किसकी बात करते हैं? अगेन क्लोज योर कॉपी। ठीक है, सीजीएस में लेंथ को किससे काउंट करते हैं, मास को किससे काउंट करते हैं, और टाइम को किससे काउंट करते हैं? दोनों में कॉमन क्या है? टाइम। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझो, अभी लिखो मत। लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन, तो चलो फिर से फटाफट में लिखूंगा, अभी लिखने का टाइम नहीं है ना। एरिया, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। किससे नापते हैं? सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर, इट बिकम्स सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो कॉपी बंद रखो बच्चे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, किसमें? सेंटीमीटर, 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 इट बिकम्स, कोई दिक्कत? वेलोसिटी और स्पीड का सेम होता है यूनिट ना, वेलोसिटी हो चाहे क्या हो, लिख रहे हो क्या मेरे साथ साथ? जो लिखते हुए पाया जाएगा उसी से क्वेश्चन पूछेंगे बेटे। ठीक है, क्या होगा? डिस्टेंस, क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को किससे नापते हैं? मीटर से ना पागल, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यूनिट क्या चेंज हो गया। वेलोसिटी का अगर पूछेगा एमकेएस में तो क्या लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड। सीजे से पूछेगा तो क्या लिखूंगा? याद रहेगा? नहीं रहेगा यार, भूल तो नहीं जाओगे, गजनी थोड़ी है कि भूल जाएंगे सर, है ना। अब आता क्या? एक्सेलरेशन, पता है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या था? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ऑलरेडी क्या चला? टाइम, टाइम का सेकेंड, तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? अब बारी किसकी आ गई? फिर से फोर्स,
फोर से क्या होता है मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को किससे काउंट करते हैं सीजीएस में ग्राम, तो यहां पे क्या लिखूंगा ग्राम, एक्सेलरेशन को कोई दिक्कत ठीक है नहीं ठीक है। न्यूटन का एक चेला था उसका नाम था डाइन, क्या नाम था डाई नहीं डाइन, स्पेलिंग याद रखो क्या होता है डाइन ठीक है। तो शुरू अच्छे से फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है सॉरी एमकेएस जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और सीजीएस जो यूनिट होता है वो क्या होता है याद रहेगा नहीं याद रहेगा, तो डाइन बड़ा कि न्यूटन बड़ा, ये तो उसका चेला था ना, तो चेला वैसा क्या होता है टूटा, तो भाई दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा ना, तो याद रखो बेटे बहुत सारी चीजें सिखा रहे हो, जो एक जो न्यूटन होता है ना और डाइन क्या होता है छोटा होता है, एग्जैक्टली मुझे स्मॉल में लिखना था कैपिटल लिख लिया समझ जाना, न्यूटन को ये जो है ना ट्रिक याद रखना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे 10^5 से मल्टीप्लाइड, कैसे आया आगे क्लासेस में खुद निकालोगे, लेकिन अभी जस्ट आपको याद रखवा रहा हूं, ये जो ट्रिक है ना याद रखना, ऊपर का एरो हमेशा मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, नीचे का एरो हमेशा डिवाइडिंग को शो करता है। जस्ट एग्जांपल एक तो बताता हूं ध्यान समझो, आई हैव अ 12 न्यूटन, इसको कन्वर्ट किसमें करना डाइन में, तो 12 लिखूंगा न्यूटन, न्यूटन को कन्वर्ट किसमें करना डाइन में, तो न्यूटन से डाइन में आ रहे हो ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गॉट इट सही है सोनो, कितने लोगों क्लियर हो गया, हो गया ना खड़ी हो जा। सेकंड आई हैव अ 13 डाइन, कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 13 डाइन को चेंज करना किसमें न्यूटन, डाइन को जब न्यूटन में चेंज करोगे ना, डाइन को जब न्यूटन में चेंज करोगे डाइन को किसमें चेंज कर रहा हूं, तो डिवाइडिंग है मींस इसको 10^5 से डिवाइड कर, क्लियर है, जब ये पावर ऊपर जाता है ना तो क्या हो जाता है माइनस, क्लियर है, तो न्यूटन और डाइन में डिफरेंस कर लोगे, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद आता है वर्क, क्या आता है वर्क, ठीक है टाइम हो चुका है लेकिन इसको खत्म कर देता हूं ना, वर्क, वर्क का क्या क्या डेफिनेशन था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है ना अगली क्लास में याद होगा, अगली क्लास में सब कुछ किसको याद होगा बताओ, कोई है जिसको सब कुछ याद होगा, आज नहीं इससे पहले का भी मेजरमेंट यार, एक ही एक दो एक ही लेक्चर हुआ था, दो लेक्चर क्या पूरा हो जाएगा बस, ठीक है क्या लिखे या ऐसे क्या भाई नागिन डांस करना, ठीक है कितने लोगों को याद हो जाएगा प्लीज दे, और कितने लोगों को याद नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा बता, तुम जात से बाहर याद होगा ना पक्का ना, चलो तो अभी जाने से पहले सब एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कसम खा के निकलेंगे यहां से, ठीक है कि वही तो क्या मरेगा नहीं, उतर को याद दिलाएगा कि भाई पढ़ ले तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है या सबके सब ना इस पे इसी पे खा लेना, नहीं नहीं वो उस पे खा लेना वो सोता रहता है घनसाली, तेरे को नहीं बोला हूं पड़ोसी। फोर्स का यूनिट क्या होता है डाइन, फोर्स का यूनिट क्या होता है डाइन, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर, ध्यान रखो फोर्स का यूनिट क्या होता है डाइन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सेंटीमीटर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अर्ग, क्या बोलते हैं इसको अर्ग, वर्क का एमकेएस फॉर्म में यूनिट था जूल, सीजीएस में होगा अर्ग, बात समझ में आया, अब एक अर्ग को मैं चेंज करूं ना तो डाइन को मैं क्या लिख सकता हूं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्ग, ठीक है तो जूल तो बड़ा हो गया है ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो जूल और यहां पे क्या हो गया अर्ग, जूल को अर्ग में चेंज करोगे 10^7 से मल्टीप्लाई और इसको क्या करोगे 10^7 से, समझ में आ गया, डाउट है कहां से लिखना है यहां से लिखना है ना, तो फटाक से नोट कर लो और बस आज की क्लास यहीं तक है, मंडे को आने से पहले अपने अपने टाइम जरूर देख लें, ये हो चुका है क्या ये वाला, यहीं से नोट कर, ठीक है।